प्राउड टू बी अ सिख। अगर कहन छे तो सुनन छे बड़ा ही चंगा लगता है। साडा दिल गद गद हो जाता है ते किस करके साधना है मान प्राप्त है। असि कदे विचार कीता सच जाणियो कदी भी नहीं। ऐसे क्यों महान गुरु दी देन है जिन्होंने उस वक्त दी बहुत प्रचलित प्रथा जनेऊ दा खंडन कीता। साधा जीवन ऊच विचार दे तन सहजता नाल क्रांति ल्यावण सिखा दे पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे बारे कुछ गल्लां साझियां करिए। पर उस तो पहला लैंदिया गुरु जी दी आशीष ते गज के बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उन्हां जी गुरु साहिब जी दा प्रकाश 15 अप्रैल 1459 ईस्वी से रायपुर की तलवंडी विखे होया सी। उन्हां दे पिता जी दा नाम कल्याण दास ते माता दा नाम माता तृप्ता सी। उन्हां दी वड्डी भैण दा नाम बेबे नानकी ते साथी दा नाम भाई मरदाना जी सी। अज असीं गुरप्रभ मना रहे गुरु साहिब जी से गल्ला कर रहे हैं क्यों ताकि असीं उन्हां दे जीवन तो कुछ सेध लै सकते हैं। पर असीं ऐ ही छड़ के बाकी सब करी जा रहे हैं। उन्होंने उदासिया रहने सानू वहमा भरमा पखंडा ऊंच नीच के भेदभाव तो दूर किया। पर बदकिस्मती की गल है अज फिर असीं उसी वल तुर पाए। दिन का भुलेखा ऐ दिन ऐ नहीं करीदा ऐ दिन शुभ है ते ऐ दिन अशुभ। उस परमात्मा ने ही सारे दिन दिहाड़े बनाए ते कोई दिन शुभ ते अशुभ किवें हो सकता। मूर्तियां के मत्था टेकना तरह तरह की अंगूठियां पानी परमात्मा एक है ते केवल एक विच ही सच्ची श्रद्धा रखनी। असी बाबियां ते पंडितां पिछे फिरते रहते हैं। गुरु साहिब जी हरिद्वार में पुठे पास पानी डोल के श्राद्ध का खंडन किया पर अज असी फिर उही कम कर रहे हैं। गुरु साहिब जी जगन्नाथपुरी ते जगन्नाथ की आरती से प्रश्न चिन्ह लगाया ते उसका उत्तर भी दिता कि इस जगत की नाथ की आरती से पूरा ब्रह्मांड आपे ही हर वेले कर रहे हैं ते अज असी आपे ही गुरुद्वारे विखे जोत ते दीये जला रहे हैं। उन्हां ने जिस तरह सच्चा सौदा किया सी ओह जी मिसाल सानू होर कित्थे देखण नूं मिल सकती है। इहदा भाव जरूरतमंदां दी मदद करना। भाई लालो ते मलिक भागो राही गुरु साहिब जी ने सानू समझाया किसी का हक नहीं मारना। गुरु साहिब जी की संगत में आ के सज्जन ठग जिहा बंदा भी गुरु साहिब जी के शरणां च डिग पिया ठगी छड्ड दित्ती ते गुरु साहिब जी का सच्चा सिख बन गया। शाह वली कंधारी द्वारा सुट्टे गए पत्थर में पंजे नाल रोक के गुरु साहिब जी ने स्पष्ट कर दिता कि बस हो हुण मानवता का कतल करना बंद करो। इस स्पीच ते गुरप्रभ का यो मनोरथ है कि गुरु साहिब जी की गल्लां सारियां नूं दसना कि आखिर गुरु साहिब जी कह की रहे ने। आओ गुरु साहिब जी के प्रकाश पर अपने अंदर भी ज्ञान का प्रकाश करो। गुरु साहिब जी की गल समझिए मनिए ते गुरु साहिब जी के सच्चे सिख बनिए। सिखी के रूप में मिली गई इस अनमोल भेट में एवें ना बोलो इसका सम्मान करिए ते इस गुरप्रभ नूं सफला करिए। यह विचार जो मैं आप जी के नाल सांझे कीते ने यह गुरु साहिब जी ने आप बख्शीश कीते ते जो गल चंगी लगी हुई वह गुरु साहिब जी की गल समझ के मन लैना। भुला चुका दिखावा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।